आज की क्लास में हम क्या करने वाले, हम पढ़ेंगे कैपेसिटी के बारे में। कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, इसमें शेखू था, है ना। शेखू क्या करता है, शेखू को मिल्क मैन जो है वो दूध हमेशा कम देता है, हमेशा मिल्क जो है उसको लगता है वो कम दे रहा है। तो उसको मिल्क करने क्या करता है, उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि तुम क्या करो कि तुम बाउल से उस मिल्क को मेजर करना स्टार्ट करो, है ना। यही बोलती है उसकी फ्रेंड, यस और नो। यस मैम, कैपेसिटी होता क्या है, कैपेसिटी मतलब जब हम किसी लिक्विड क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मेजरमेंट आपकी कम से कम थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, लेंथ में आप क्या मेजर करते हो, किसी भी चीज की लंबाई कितनी है, वो कितनी लंबी है। वेट में आप क्या मेजर करते हो कि उस चीज का वजन कितना है। हर एक चीज की कोई ना कोई लंबाई होती है, कोई ना कोई वेट होता है ना। लेकिन कैपेसिटी क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड, जैसे आपका पानी हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, जो भी लिक्विड क्वांटिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कैपेसिटी की हेल्प से। ठीक है, सो नाउ आप क्वेश्चन आ रहा है मैम, कैपेसिटी होती क्या है, बता दी। वो चीज कैपेसिटी हम कब काउंट करते हैं, जब कोई लिक्विड चीज किसी भी कंटेनर में डाल जाए। कंटेनर यानी कोई ग्लास हो गया, कोई बाउल हो गया, कोई पतीला हो गया, लाइक दिस। अगर इसमें ऐसे में कोई चीज जो है अगर हम मेजर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। द अमाउंट दैट अ कंटेनर और स्पेस कैन होल्ड इज कॉल्ड कैपेसिटी। जो अमाउंट जो हमारे कंटेनर होल्ड कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटी हमारी दो चीजों में मेजर होती है, एक लीटर में और एक मिलीलीटर में। लीटर को हम डिनोट करते हैं, एक सेकेंड, ओके। तो अब क्या हुआ, हमारी जो कैपेसिटी है वो लीटर में और मिलीलीटर में शो होती है। लीटर को हम एल से, स्मॉल एल से करते हैं डिनोट, एंड लीटर को हम एम एल से डिनोट करते हैं, ओके। लीटर हमारी बड़ी क्वांटिटी होती है काउंट जो करते हैं, और मीटर हमारा जिसमें हम जब छोटी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, किसकी, लिक्विड की छोटी क्वांटिटीज को। ठीक है, देखो यहाँ पे है, मिलीलीटर इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। मिलीलीटर किस लिए यूज होती है, हमारी स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लिक्विड की। ठीक है, बताओ अब मिलीलीटर हम लोग कैसे, अब एग्जांपल दूं तो आपका जो दूध का ग्लास है या वाटर का जो ग्लास है वो हमेशा मिलीलीटर में काउंट होता है। किसमें होता है वो, मिलीलीटर में। किसमें होता है बोलो, सारे मिलीलीटर में मिलीलीटर में, मिली। ठीक मिलीलीटर है, एंड आपका अगर चाय का कप, अगर मम्मा किस चाय पीती हैं, कॉफी पीती हैं, वो किसमें होता है, वो भी मिलीलीटर में होता है, यानी कि हमारे एमएल में। लीटर को हम क्या लिखते हैं, हम इसको एमएल भी लिखते हैं। मिलीलीटर क्या लिखते हैं इसको, हम एमएल भी लिखते हैं, ओके। इसे कोई डाउट, इतनी चीज समझ आई सबको, नो पक्का। नाउ नेक्स्ट मैम, इज अवर लीटर। अब मैं, आपने बोला मैम मिलीलीटर तो हमारा हो गया, इसमें हमारी छोटी क्वांटिटी लाइक आपकी जो दवाई की शीशी आती है वो मिलीलीटर में आती है, उनके ढक्कन में एमएल लिखा होता है ना। आपकी जो ग्लास आते हैं उसमें वो हमारे मिलीलीटर में काउंट होते हैं। हमारे जो कप होते हैं जिसमें आपका चाय दूध जो भी आप पीते हो या सूप पीते हो बाउल्स वगैरह में, वो हमारे मिलीलीटर में होते हैं। लेकिन अब लीटर में क्या आएगा, फिर ये सारी जगह मिलीलीटर में आ गई है, एमएल में आ गई है, अब लीटर में क्या आएगा। लीटर हमारे आते हैं लाइक आपकी जो घर में, सबके घर में टैंक्स हैं, टैंक अवेलेबल है सबके घर में, यस और नो। टंकी यस मैम, होगी आपके घर में, बड़ी वाली बोतल भी होगी, है ना, है सबके पास, वो सब चीजें हमारी क्या करती है, उसमें हम लीटर में काउंट होती है। सबकी मम्मी दूध की थैली लेके आती है, किसी थैली आती है, किसी यस मैम आता है एक कंटेनर में लेके आता है, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, लीटर।
आप कभी शॉप पे जाते हो मम्मा के साथ, मम्मा कहते हैं कि 1 लीटर दूध दे दो या 2 लीटर दूध दे दो, होता है ना, 1 लीटर की थैली दे दो, तो वो हमारे क्या होता है, वो हमारे लीटर्स में काउंट होता है। आप जो बकेट यूज करते हो नहाने के लिए, उसमें कितना पानी होता है, वो भी लीटर्स में होता है। किस में होता है वो? लीटर्स में। ठीक है, आपके घर में जो टैंक होता है वो भी किस में होता है, वो भी लीटर्स में ही काउंट होता है। ठीक है, अब भाई ये बात यहाँ पे आती है कि हाँ भी अब आपको समझ में तो आ गया कि जो हमारे छोटे आइटम है जिसमें हमारा पानी कम आता है या चाय या दूध कम आती है, वो हमारे लीटर में आया क्योंकि वो छोटी अमाउंट है। ठीक है, और अगर आपका क्या हुआ, अगर आपका जो बड़ा कंटेनर है, लाइक आपकी बाल्टी हो गई, आपकी थैली होगी दूध की, या आपकी टैंक्स हो गए, या तो फिर आपकी जो बॉटल्स आती है बड़ी वाली, कोक की आती है, वो भी लीटर्स में आती है, बड़ी वाली जो आती है, छोटी वाली एमएल में भी आती है और बड़ी वाली लीटर्स में भी आती है। ये सब हमारा क्या हुआ, ये हमारा कैपेसिटी होगा। ये किससे हम कैसे काउंट करेंगे, ये उस चीज की होगी। अगर मैं बोलूं पानी को बताओ पानी कितना है, क्या बता पाओगे? मैं सिर्फ इतना, मुझे पानी कितना है बता कोई आप लोग की पानी कितना है बताओ मुझे, बता पाओगे आप लोग? नहीं तो आप आओगे कि पानी तो ऐसे, आप पानी तो ग्लास में लगते हो उसके अलग हो जाएगा, अगर आप उसको टैंक में डालोगे तो अलग अमाउंट में काउंट होगा, अगर आप बॉटल में लो अलग अमाउंट में, सबका अलग अलग हो जाएगा ना, कोई पर्टिकुलर तो मिलेगा नहीं आपको। लेकिन हम मेजर कैसे करेंगे उसको, मेजर करने का तरीका एक ही है, जिस भी चीज में आप उस चीज को डालोगे, मान लो अगर आपने पानी को पानी ग्लास में डाला तो हम ग्लास के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे, हाँ इस ग्लास में कितना पानी है। अगर आप उस पानी को टैंक में डालोगे तो पता चलेगा कि हाँ भी आपके टैंक में कितना वाटर है ना। ये हमारी होती है कैपेसिटी, जिससे हम मेजर करते हैं कि हमारे लीटर या मिलीलीटर में कितना हमारा अमाउंट पानी का या लिक्विड का आता है। सबको इतनी चीज क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है मुझसे इस रिगार्डिंग? नो मैम। श्योर सबको क्लियर हुआ? यस मैम। पक्का? यस मैम। ओके यस मैम। नाउ नेक्स्ट हमारा, अब आपकी बुक में एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है, ओपन योर बुक पेज नंबर 132, पेज नंबर 132, 130 पे ये स्क्रीन आपका पेज शो हो रहा है, जिसमें मोर और लेस देन अ लीटर आपने क्या ताना है कि मोर और लेस देन अ लीटर कौन सा है ना, कि किस में लीटर्स ज्यादा आते हैं, किस में लीटर था, किसी में किस में एमएल, लीटर से कम क्या होगा, एमएल होता है, दैट इज मिलीलीटर, लीटर से कम क्या होता है बताओ? अगर कोई पूछे कि एक तो लीटर होता है, लीटर से कम अमाउंट अगर हो तो हम उसको क्या काउंट करेंगे, उसे हम काउंट करेंगे मिलीलीटर में, किस में काउंट करेंगे, मिलीलीटर में। अब इन्होंने बोला आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ आइटम्स रखे हैं, ठीक है, लिक्विड आइटम्स जो एक कंटेनर में रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपने बताया कि इसमें क्या कितनी अमाउंट, इसमें लेस देन अ लीटर हो गया या मोर देन अ लीटर हो गया, कुछ हरकत मत कर, ठीक है, तो हम करें इसको। ओके बात समझ नहीं आई आपका, अपनी पेंसिल जो है वो अपने हैंड से ले लो। ओके तो हमने क्या करना है, इसमें आपको यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, कुछ कंटेनर रखे जिसमें लिक्विड अमाउंट रखी हुई है, लाइक आपके पास जो पौधों में पानी देते हैं इसमें लिक्विड से पानी होता है ना, तो ये कंटेनर है। एक आपके पास शैम्पू या जो भी बॉटल होती है आपकी हैंड सैनिटाइजर की, वो है। एक बकेट है जिसके अंदर वाटर है, एक वाटर बॉटल है आपके पास, एक ग्लास है, ठीक है, एक जार है या जग हम इसको बोलते हैं, इसमें आपका लिक्विड कंटेन है, एक बाउल है एंड एक ड्रम है, ठीक है। अब आपने बताना है कि इसमें लेस देन लीटर किसमें पानी होगा, लाइक मिलीलीटर किसमें होगा, मोर देन लीटर किसमें होगा, जिसमें पानी लीटर से ज्यादा होगा। तो हम स्टार्ट करें, हमें क्या करना है, हमें मैच करना है। ओके सो पहले तो जो हमारा ये है जिसमें हम पौधों को पानी देते हैं, इसमें हम इसमें कितना पानी होता है, लेस देन लीटर होता है, मोर देन लीटर होता है, बताओ इसे पानी कितना होता है, लेस देन लीटर, नहीं तो मोर,
मोर देन लीटर होता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो वाटर है उसमें पानी जो है, हमारा जो पौधों में पानी जो हमारा कंटेनर है उसमें पानी 1 लीटर से ज्यादा होता है, लीटर से ज्यादा होता है हमारा पानी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, आपका ये क्या है? ये है सैनिटाइजर या शैम्पू की बॉटल है. इसमें कितना होगा अमाउंट लिक्विड का? लेस देन लीटर हो गया, मोर देन लीटर होगा? वेरी गुड, लेस देन लीटर होगा. तो मैच कर दो इसको भी. अब बकेट है, बकेट में पानी क्या होगा? मोर देन लीटर या लेस देन लीटर? मोर देन लीटर. पता है सबको? वेरी गुड, आपको समझ में आ गया. दैट्स ग्रेट. ओके, देन वाटर बॉटल है, इसमें पानी कितना होगा? लेस देन अ लीटर या मोर देन अ लीटर? लेस देन लीटर. हमारे दोनों जगह लेके, क्योंकि बॉटल हमारी छोटी है तो हम इसको क्या काउंट करेंगे? लेस देन अ लीटर. ओके, नाउ अ ग्लास ऑफ वाटर. वेरी गुड. ठीक है. नाउ अ जग. जग में कितना पानी होता है? हमारे एक जग से कम से कम 5 ग्लास ऑफ वाटर निकलता है. तो इसमें पानी होगा वो कितना होगा? वो हमारा जो वाटर होगा दैट इज मोर देन अ लीटर. दैट्स ग्रेट, गुड. ओके, अब बाउल. बाउल में कितना पानी होता है? कितना लिक्विड होता है? लेस देन अ लीटर. वेरी गुड. ओके, लेस देन अ लीटर. दैट्स ग्रेट. ओके, नाउ व्हाट अबाउट अ ड्रम? सबको समझ में आई इतनी चीज? यस मैम. तो किसी को डाउट है इसमें? यस मैम. बोला डाउट है किसी को? नो मैम. श्योर? नो मैम. दैट्स, आपने समझ में आ गया कि हम कैपेसिटी कैसे हम लोग करते हैं मेजर. ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है? जो आपका प्रैक्टिस एट होम, ठीक है, एंड इसके अलावा जो आपका पेज नंबर 132 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, कर लोगे सब? यस मैम. यस मैम. ठीक है, अब जैसे हमारा वेट में आपका किलोग्राम हम ग्राम लिखते थे, मैंडेटरी था, वैसे ही और हमारा लेंथ में सेंटीमीटर मीटर मैंडेटरी था, इसमें हमारा लीटर मैंडेटरी है. लीटर या मिलीटर लिखना. ठीक है. ओके एवरीवन, सन में आ गया. इसके साथ ही हमारा कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी फिनिश होता है. अब हम मंडे से या कल से हम डायरेक्ट रिवीजन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. ओके ओके मैम. ठीक है, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, हमारा कॉन्सेप्ट जो है आज वाला खत्म हो जाते हैं. ठीक है.